नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे बेड सोर यानी प्रेशर सोर के विषय में और आपको बताएंगे उसको दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। जो लोग व्यक्ति बीमार रहते हैं आपके या किसी के परिवार या मोहल्ले में घर में, तो बेचारे जो बीमार रहते हैं और वो हिल नहीं सकते हैं, उनके लिए बड़ी अजीबोगरीब समस्या हो जाती है बेड सोर या प्रेशर सोर की, जिससे वह बहुत परेशान रहते हैं। एक तो वह अपने मर्ज से जूझ रहे हैं, दूसरा साथ में कि ये बीमारी उस बीमारी के कारण लग जाती है। तो यह स्थिति साथियों अगर होती है तो इसको दूर करने का होम्योपैथी में बड़ा अच्छा स्कोप है। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं प्रेशर सोर यानी बेड सोर होते क्या हैं। बेड सोर साथियों आपका ब्रेक डाउन स्किन होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी जगह से ज़्यादा देर मूव नहीं करता, ज़्यादा वक्त तक मूव नहीं करता है और उसके एक पॉइंट पे फ्रिक्शन या प्रेशर पड़ता रहता है, तो वहाँ की स्किन जो है वह क्रैक्ड हो जाती है, वहाँ की स्किन ब्रेक हो जाती है। या जो यह ब्रेक डाउन स्किन की पोजिशन है, उस एरिया में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। ब्लड सप्लाई कम होने से सेल्स डेड होने लगते हैं और सेल्स डेड होने से वह एक बेड सोर का क्लिनिकल कंडीशन के रूप में मैनिफेस्ट होता है। तो यही बेड सोर होता है जो कि व्यक्ति को परेशान करता है, जिसमें कि स्किन क्रैक डाउन हो जाती है, स्किन ब्रोकन डाउन हो जाती है और उस एरिया का ब्लड सप्लाई रुक जाता है या कम हो जाता है और सेल्स डेड हो जाते हैं। फिर साथियों बात आती है इसके कॉजेस की। कॉज इसका हम सबको पता है, हम सबके सामने फिर साथियों बात आती है इसके कॉजेस की। कॉज इसका हम सबको पता है, जो व्यक्ति बहुत वक्त तक एक जगह से मूव नहीं करता और किसी बीमारी या किसी परेशानी के कारण उसको एक ही पोस्चर में लेटना पड़ता है या बैठना पड़ता है बहुत लंबे अरसे तक, तो उसको बेड सोर हो जाता है। जो कोई डायबिटिक होता है तो उसको यह जल्दी हो जाता है। इसमें होता यह है कि उस व्यक्ति के उस एरिया का जहाँ पर बार बार प्रेशर पड़ रहा है, वहाँ का ब्लड सप्लाई रुक जाता है, आर्टेरियल सप्लाई या कम हो जाता है, जिससे कि प्रॉपर ब्लड का फ्लो सेल्स तक नहीं जा पाता है और सेल्स डाई डाउन हो जाते हैं। जब सेल्स मृत अवस्था में हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, उसके बाद वह एरिया जो है एक बेड सोर के रूप में या प्रेशर सोर के रूप में आपके सामने मैनिफेस्ट होता है। इसके सिम्टम साथियों, इसके सिम्टम 4 स्टेजों में आते हैं किसी भी व्यक्ति के पास में। पहली स्टेज होती है जिसको कहते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 में आपके जहाँ पे प्रेशर बार बार पड़ता है या पेशेंट मूव नहीं कर पाता है, वहाँ पर रेडनेस आ जाती है और जब उसको आप दबाव यूँ करके तो वाइट नहीं होता, जैसे वाइट हो रहा है, वाइट नहीं होता है, वो रेडी रहता है। तो यह कंडीशन अगर आपको पाई जा रही है तो स्टेज 1 है बेड सोर का सिम्टम का स्टेज 1 है। फिर स्टेज 2 आती है जिसमें आपके छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं पेशेंट के, जो मूव नहीं करा है काफ़ी वक्त तक एक पोस्चर से, उसमें उसके छाले पड़ने लगते हैं, वह स्टेज 2 होती है। स्टेज 3 होती है जिसमें कि आपके छाले फूट गए और फिर आपको गड्ढे यानी क्रेटर्स नज़र आने लगे, उनको क्रेटर्स कहते हैं जो गड्ढे होते हैं, तो वह जो आपको क्रेटर्स नज़र आने लगे तो वह स्टेज 3 होती है। और एक स्टेज 4 होती है जिसमें कि आपको बिल्कुल ही आपका फ्लैश तो चला ही जाता है, साथ में बोन टेंडन्स और लिगमेंट्स भी जाने लगते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, अगर उन तक या असर पहुंच जाता है तो वह स्टेज 4 होती है। स्टेज 1 और 2 का जो सिम्टम्स होते हैं वह मैनेजेबल हैं, आप घर में थोड़ा सा अगर सूझ बूझ का परिचय दे देंगे तो वह सिम्टम चले जाएंगे। स्टेज 3 और 4 एक डॉक्टर का टेंशन मांगती है या दवाओं का टेंशन मांगती है। हम आपको बताएंगे इन समस्याओं से निपटने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। उससे पहले साथियों एक बात बता दें, जिसको भी बेड सोर हो उसको आप हाइड्रोजन परऑक्साइड से घाव को साफ ना करें। नॉर्मली हम सब लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड जानते हैं, और कोई भी घाव होता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड खरीद लाते हैं, 20-25 रुपये की शीशी मिलती है, उससे घाव की सफाई करने लगते हैं। बेड सोर की सफाई हाइड्रोजन परऑक्साइड से नहीं करनी चाहिए, सलाइन वाटर से करनी चाहिए, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम आपको बताते हैं होम्योपैथी में बेड सोर को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, जो आपको ये जो एक्स्ट्रा पैदा हुई समस्या है आपकी बड़ी समस्या के साथ, जिसके कारण आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें जो यह आपका माइंड डाइवर्ट करती है, आपके संसाधनों का को डाइवर्ट करती है, वह ठीक हो जाएगी और आप परेशानी से बच जाएंगे। दवा बताने से पहले साथियों बता दें कि कोई भी दवा कुशल चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लें, क्योंकि कई सारे सिम्टम आपके बॉडी में एक साथ हो सकते हैं और दवाएं हो सकता है उसके लिए मुफीद ना हो, कोई और दवा हो
तो ये दवा आपके एजुकेशन के लिए, होम्योपैथी को आपके करीब लाने के लिए है। लेकिन दवा बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्राइब करे बिना ना लें, ना ये वीडियो देखकर, ना कोई अन्य यूट्यूब वीडियो किसी भी चैनल का देखकर। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। बताते हैं आपको बेड सोर यानी प्रेशर सोर को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। साथियों बेड सोर में एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन आ जाती है कि जब आपके स्किन ब्लू होने लगती है। अगर आपके स्किन में ब्लूनेस आने लगे और आपका बेड सोर बन रहा हो, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में दो बहुत कारगर दवाएं हैं। पहली दवा है आर्निका, दूसरी दवा है लिकेसिस। आर्निका 1 mg पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में बहुत कारगर है कि जब आपके ब्लू स्पॉट्स आ रहे हों ड्यू टू बेड सोर और आपके पूरे शरीर में बहुत दर्द हो, ब्रूस फीलिंग हो, लग रहा है शरीर में बहुत मारा गया है, अगर यह आपको सिम्टम फील हो रहा है स्किन की ब्लूनेस के साथ में बेड सोर की कंडीशन में, तो आपकी दवा आर्निका है। आप आर्निका 1 mg पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं या 200 पावर में आर्निका ले सकते हैं, आपका बेड सोर की यह स्थिति ठीक हो जाएगी। दूसरी दवा साथियों इसी कंडीशन की आती है लिकेसिस। लिकेसिस 1 mg पावर में 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली उस कंडीशन में आपको लेनी चाहिए जब आपके स्किन में ब्लूनेस आ रही है, वेनस कंजेशन हो रहा है, ब्लड प्रॉपर उससे में नहीं आ रहा जो कि बेड सोर का सिम्टम ही है, और आपकी तकलीफें रात में बढ़ती हैं। यह कंडीशन अगर आप में हो तो आपकी दवा लिकेसिस है। आप लिकेसिस 1 mg पावर में दो दो बूंद 5-5 मिनट के फासले पर हफ्ते में 1 बार 3 बार ले लें। आपका जो ब्लड सप्लाई जिस एरिया में कम हो रही, ब्लूनेस आ रही है और तकलीफें आपकी रात में बढ़ रही हैं, वह सिम्टम आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर साथियों एक स्थिति आती है पेनफुल बेड सोर। आपके बेड सोर हो गया, वो गैंग्रीनस हो गया है, उसमें बहुत गड्ढा बन गया है, स्टेज 4 आ गई है और आपके बहुत पेन हो रहा है। अगर यह स्थिति साथियों हो तो इसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा सल्फर है। आप सल्फर 1 mg की खुराक की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं जब आपके पेनफुल गैंग्रीनस बेड सोर हो जो आपको परेशान कर रहा हो, आपको तकलीफ दे रहा हो, तो उस स्थिति की बहुत अच्छी दवा सल्फर है। आप सल्फर 1 mg पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका यह गैंग्रीनस अल्सर खत्म हो जाएगा। दूसरी स्थिति साथियों आती है कि आपके बहुत जलन हो, बेड सोर आपके हो गया हो, पूरा लाली आ गई हो जो कि पहली स्टेज होती है, और आपकी स्किन में जलन होने लगे। अगर यह स्थिति आपको आती है तो आपकी होम्योपैथी में बहुत दवा है एपिस मेलफिशिया। एपिस मेल 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं कि जब आपके स्किन में रेडनेस आ जाती हो, उभार आता हो, उसमें स्टिंगिंग टाइप पेन हो, चुभन टाइप पेन हो, जैसे बरैया ने काटा हो, ऐसी जलन हो रही हो, यह स्थिति आप में हो तो आप एपिस 30 ले सकते हैं। एपिस 30 के मरीज को प्यास नहीं लगती है और कभी कभी उसमें अर्टिकेरिया की भी शिकायत होती है, पित्ती उछलने की भी शिकायत होती है। अगर यह चीज़ें आपके बेड सोर के साथ कंपनी कर रही हैं तो निश्चित रूप से आपकी दवा एपिस 30 है। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपके ब्लूनेस आ गई, नीलापन चारों तरफ बॉर्डर आ गया, वो पूरा बॉर्डर नीला है बेड सोर का। अगर यह कंडीशन आपको होती है कि जिसमें बेड सोर हो और उसके बॉर्डर्स ब्लू हो, तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। दवा का नाम लिकेसिस है। लिकेसिस 1 mg की 3 खुराक आप वीकली 5-5 मिनट फासले पर ले लें तो आपका यह जो ब्लू रिंग्स के साथ आपका बेड सोर है, अल्सर है, उसको ठीक होने में मदद मिलेगी और आपका ब्लड सप्लाई पुनः उस एरिया में जो रिटार्ड हुई है वो बहाल हो जाएगी, अगर आप दवा के साथ ड्यू केयर भी उस अल्सर के लिए कर लेते हैं। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपके ठंडापन आ गया हो और आपके बेड सोर हो रहा, मतलब आपकी स्किन बहुत ठंडी हो रही हो, उसमें कोल्डनेस हो रही हो और आपको बहुत कमजोरी लग रही हो, आपको लग रहा हो कि अब हम गए तब हम गए, वो स्थिति साथियों अगर आपको महसूस होती है तो उस वाइटैलिटी, लो वाइटैलिटी को इंक्रीज़ करने की दवा और आपके बेड सोर को सही करने की दवा है कार्बोवेज। कार्बोवेज 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले लें कि जब आपकी स्किन में कोल्डनेस आ गई हो, एक्सट्रीमिटीज में कोल्डनेस आ गई हो और आपको बेड सोर हो जिसमें कि खुजली हो रही हो, वो गर्मी से और बढ़ रही हो, यह सिम्टम अगर आप में पाया जा रहा है तो आपकी दवा कार्बोवेज 30 है। कार्बोवेज 30 के मरीज के पेट में गैस ऊपर की तरफ चढ़ती है, सीने की तरफ चढ़ती है और वहाँ उससे परेशान रहता है, यह भी कार्बोवेज का कमजोरी के साथ
एक गैस चढ़ना भी कार्बोवेज का एक बहुत सिम्टम है, जो बहुत अच्छा सिम्टम है जो आपको कार्बोवेज के लिए इंडिकेट करेगा। फिर साथियों एक स्टेज आती है, जब स्टेज 3 जैसा हमने वीडियो में बताया कि आपके कार वो आपके बेड शोर हो गया और उसमें से आपको डिस्चार्जेज आने लगे, पस आने लगा। अगर यह स्थिति आपके होती है कि आपके पस आ रहा है अल्सर्स में से, बेड शोर में से, और यह रात में 12 बजे तकलीफ आपकी बढ़ रही है, आपका गला सूख रहा है और आप डायबिटिक भी हैं, तो अगर यह स्थितियां साथियों आप में या इसमें से कुछ स्थितियां आप में पाई जाती हैं तो आपकी दवा आर्सेनिक एल्बम 30 है। आर्सेनिक एल्बम 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले लें, यानी सुबह दोपहर शाम, आपका यह जो पस्टुलर फार्मेशन पस फार्मेशन हो रहा है बेड सोर में, यह ठीक हो जाएगा, आपके जलन ख़त्म हो जाएगी, आपके जो डायबिटीज़ है वो भी कंट्रोल होगी और आपको अल्टीमेटली बेड सोर को ठीक होने में लाभ मिलेगा, बेड सोर जल्दी से ठीक हो जाएगा। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि जब आपके बेड सोर हुआ और उसमें पूरी चारों तरफ पपड़ियाँ पड़ गई, सफ़ेद सफ़ेद रंग की पपड़ियाँ पड़ गई, मवाद उसमें सूखने लगा, अगर इस तरह का मैनिफेस्टेशन आपके कंडीशन का बेड सोर में होता है तो इसको दूर करने की बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में है आर्जेंटम नाइट्रिकम। आप आर्जेंटम नाइट्रिकम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आपका जो बेड सोर के अराउंड वाइट क्रस्ट है वहाँ सिम्टम अगर आप में है तो वहाँ चला जाएगा और आपका बेड सोर भी सही होने लगेगा। और अगर आपको इसी जो आपके पस आ रहा है बेड सोर में से वह बहुत ऑफेंसिव है तो इसकी 2 बहुत कारगर होम्योपैथिक दवा हैं। पहली दवा है साइलिसिया और दूसरी दवा है हिपरसल्फ। साइलिसिया 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके जो यह डिस्चार्ज आ रहा है पस आ रहा है यह ऑफेंसिव है काफ़ी, इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा पस आ रहा है और मरीज़ को ठंडा बहुत लगता है। सलीसिया के मरीज़ को ठंडक बहुत लगती है, सर्दी में सर्दी लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है, इस तरह का उसके कैफियत रहती है, उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़े रहते हैं और उसके बेड शोर में से पस आता है। वह स्थिति साथियों है तो आपकी दवा सलीसिया है। और अगर आपके हाइपर सेंसिटिविटी के साथ अल्सर में से पस आ रहा है, बेड शोर में से पस आ रहा है, तो उसकी दवा हिपरसल्फ 30 है। हिपरसल्फ 30 2-2 बूंद अगर आप दिन में लेते हैं, दिन में 3 बार लेते हैं, तो यह दवा आपके सारे पस को ड्रेन आउट कर देगी। और अगर हिपरसल्फ 1000 पावर में वीकली 3 खुराक 5-5 मिनट पर ले लेते हैं तो आपका पस बनना ही रुक जाएगा। तो यानी स्टेज 3 और स्टेज 4 के लिए साइलिसिया, हिपरसल्फ और आर्सेनिक, ये तीनों बहुत अच्छी दवा है, आप इनको एडमिनिस्टर करके पूर्णतया लाभ पा सकते हैं। बेड सोर की साथियों जो सबसे कॉमन स्थिति प्लेस आती है जहाँ पे बेड सोर होता है वह आपके हिप रीजन में बेड सोर होता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फ्लैश होता है और आपके पूरा बॉडी वेट आप यहीं पे लेके बैठते हैं तो बेड सोर यहीं पे हो जाता है। अगर आपके हिप रीजन में, आपके सैक्रम रीजन में अगर आपको बेड सोर हो रहा है तो होम्योपैथी में इसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा है पियोनिया। आप पियोनिया ऑफ स्नैलिस 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। इससे आपके जो हिप रीजन में आपके बेड सोर हो रहा है वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा और आप अपने को आराम पाने लगेंगे। फिर साथियों एक वर्स्ट कंडीशन आती है बेड सोर में कि जब आपको सेप्टिसीमिया भी होने लगा हो, आपके बेड सोर का इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल गया हो अंदर की वो ब्लड तक आ गया हो। अगर यह स्थिति साथियों आपके यहाँ होती हो तो इसको होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत कारगर दवा है पाइरोजेन। आप पाइरोजेन 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले लें कि जब आपके इतना ज़्यादा फैल गया है बेड सोर और उसका इन्फेक्शन कि वो आपके ब्लड तक आ गया है और आपको सेप्टिसीमिया और सेप्सिस करने की स्थिति में आ गया है और आपको यहाँ परेशान कर रहा है तो आप पाइरोजेन 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप आराम पा जाएंगे। उसके अलावा साथियों एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी है जो आप अपने बेड सोर पे कर सकते हैं, अल्सर पे कर सकते हैं, वह है कैलेंडुला। कैलेंडुला मदर टिंचर का 5 बूंद 1 चम्मच बॉइल्ड वाटर में ले लें और उसको आप अपने बेड सोर पे लगा लें, उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा और बहुत लाभ मिलेगा। यह साथियों कुछ दवाएं थी आपको बेड सोर के विषय में। जो मेरी ये ख्वाहिश रहे इन दवाओं के माध्यम से कि एक तो आप एक समस्या से जूझ रहे हैं जिससे कि आप हिल नहीं पा रहे हैं, जिससे कि आप बेड रिडन हो गए हैं, ऊपर से आपको ये बेड सोर हो जाए जिससे कि आप और परेशान हो जाएं,
तो आपका बेड सोर की समस्या खत्म हो इसके लिए दवाएं थी। आप इसको किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करके आपके सिम्टम के हिसाब से ले सकते हैं, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर आपके मन में साथियों कोई क्वेरी हो तो आप YouTube नोटिफिकेशन में या फिर हमारे WhatsApp नंबर 9415786 3014157863800 पर अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। हमें खुशी होगी आपको संतोषजनक जवाब देने में। अगर साथियों आपको, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा होम्योपैथी को आपके करीब लाने का यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन बटन दबा के हमारे नए वीडियो सबसे पहले लगातार पाते रहिए। आप हमारे साथ रहे, हमारा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।